रायबरेली अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वन विभाग एवं बीएसएस पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में रायबरेली शहर के सुपरमार्केट से निकली पौधों की बारात। पौधों की इस बारात में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता के नेतृत्व में पौधों की ये बारात सुपरमार्केट से निकली। पौधों की बारात निकालने का उद्देश्य वन संरक्षण एवं लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना रहा। ये विशेष बारात रायबरेली शहर के सुपरमार्केट से निकलकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। बारात को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा। इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में के गुप्ता, संदीप शुक्ला, वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तथा बीएसएस पब्लिक स्कूल के बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। अतुल कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल। वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज वन महोत्सव कार्यक्रम के समापन के अवसर पर रायबरेली जनपद में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और वन विभाग और साथ ही साथ बीएसएस स्कूल के बच्चों के सहयोग से एक पौधों की बारात का कार्यक्रम किया गया। बहुत ही अद्भुत बारात थी। क्या आते हैं, गुरु तेग बहादुर मार्केट से निकलकर अस्पताल चौराहा, हाथी पार्क चौराहा, खालसा चौक होते हुए दीप पैलेस पर इसका समापन हुआ। यहाँ पर निःशुल्क फलदार पौधे लोगों में वितरित किए गए और लोगों से आह्वान किया गया कि अपने घर में, अपने मोहल्ले में, जहाँ पर भी स्थान हो, एक पौधा अवश्य लगाएं। मैं त्रिलोचन सिंह चावला, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली। आज क्या था? आज डीएफओ साहब और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में आज वृक्षों की बारात निकाली गई, जिसका रूट सुपरमार्केट से स्टार्ट की, अस्पताल होते हुए, हाथी पार्क होते हुए दीप पैलेस में आके समापन किया गया, जिसमें सभी लोगों को डीएफओ साहब की तरफ से एक एक पौधा दिया गया और सबसे अपील की गई कि पौधों की देखभाल 3 साल तक जरूर करें, ताकि ये अपनी जब मजबूती पकड़ लेंगे, अच्छे से फल देंगे, लोगों को हर चीज़ देंगे, हवा पानी देंगे। तो मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से पूरे नगरवासियों से अपील करते हैं कि वृक्ष इस समय ज़रूर लगाएँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।